भारतीय जनता पार्टी प्रजातंत्री व्यवस्था को बर्बाद करने में तुली हुई है। जनमत को खरीदा जा रहा है, जनमत को की नीलामी हो रही है। जिस प्रकार से उन्होंने कर्नाटक में किया, गोवा में किया, मणिपुर में किया, मेघालय में किया, अरुणाचल में किया, मध्य प्रदेश में किया, अब वही प्रक्रिया वो राजस्थान में अपनाने में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश में चूंकि कांग्रेस और भाजपा के विधायकों में बहुत कम अंतर था, इसलिए यहां वो सफल हो गए, लेकिन वहां काफी अधिक, लगभग 30 से ज्यादा लोगों में, विधायकों में कमी है, तो वहां मुझे नहीं लगता कि संभव हो पाएगा। लेकिन फिर भी उनका प्रयास निरंतर चला जा रहा है और करोड़ों रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। मुझे खुद राजस्थान के एक विधायक ने आके कहा कि उनको भी कहा था कि 25 करोड़ रुपए रख लो, अभी 10 करोड़ रख लो, 25 करोड़ का हम लोग आपको दे देंगे, और जहां चाहते हो, जिस प्रांत में चाहते हो और विदेश में चाहते हो तो विदेश में भी जमा करा देंगे। इस तरह की बातें वहाँ हो रही हैं। मुझे विश्वास है कि अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी कांग्रेस के सारे विधायकों के साथ चर्चा करके रास्ता निकालेंगे। कि भाई नाराजगी ही नाराजगी है, किस बात की नाराजगी है? वे उप मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो ऐसी कौन सी नाराजगी है जिसकी वजह से वे इतने नाराज हो गए? अगर नाराजगी भी है तो हमारा नेतृत्व है दिल्ली में, उनसे चर्चा करें, बातचीत करें, चर्चा करके हल निकालें। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी सबको अवसर देती है। ज्योतिराज सिंधिया जी को कौन सा अवसर नहीं मिला? सचिन पायलट जी को कौन सा अवसर नहीं मिला? अवसर दिया जाता है, लेकिन उसके अवसर के साथ साथ कुछ न कुछ अनुशासन का भी पालन करना पड़ता है, और अनुशासन का पालन करते हुए पार्टी के अंदर ही रहकर जो भी गिला शिकायतें हैं, गिला या शिकायतें हैं, उसका निराकरण होना चाहिए। लेकिन सर, सचिन पायलट ने जिस तरीके से 30 विधायक मेरे अलग हैं, ऐसा कहा नहीं है, ऐसा उनका उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं। नहीं, उनका स्टेटमेंट आया है, मीडिया रिपोर्ट्स में आया है उनके द्वारा, मतलब उनके मीडिया समन्वय जो करते हैं उनके द्वारा जारी किया गया कि 30 विधायक उनके समर्थन में जो ये कह रहे हैं कि जो वो करेंगे उसके लिए हम तैयार हैं। सचिन पायलट का कोई बयान नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा। अच्छा, कांग्रेस की तरफ से आगे क्या क्या लगता है कि जिस तरीके से ये जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर क्या सचिन पायलट पे भी कुछ कार्रवाई कांग्रेस करेगी? ये सब चीजें ACC तय करती है, मैं नहीं करता। आपको लगता है कि स्थिर हो गया राजस्थान में सरकार? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी, फिर भी देखिए क्या होता है।